आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ और कम तेल का यूज करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए एक बर्तन में एक कप सूजी लेंगे। आप सूजी मोटी या पतली कोई भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम आधा कप दही डालेंगे और आधा कप ही पानी का यूज करेंगे। दही और पानी को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। जब सूजी दही और पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे सूजी अच्छे से फर्मेंट हो जाए। जब 10 मिनट बाद सूजी को देखेंगे तो अच्छे से वो फर्मेंट हो गई होगी और फूल गई होगी और उसने सारा पानी सोख लिया होगा। इसके बाद हम इसमें अपने पसंद की या बच्चों के पसंद की ढेर सारी सब्जियां डालेंगे, जिसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज, उबला हुआ स्वीट कॉर्न, बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, कद्दूकस की हुई गाजर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और महीन कटा हुआ कैप्सिकम भी डालेंगे। ये सारी सब्जियां हम बारीक कट करके ही डालेंगे, जिससे बच्चों को पता ना चले और वो खा भी लें। अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें पानी डालेंगे। इसमें पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, जिससे कि बैटर गीला ना हो जाए। तो इस बैटर को और भी मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम एक तड़का डालेंगे। तो एक चम्मच गरम तेल पे हम थोड़ी सी राई, हींग और करी पत्ते डालेंगे। जब राई और करी पत्ते अच्छे से पक जाएं, तो इस तड़के को हम इस बैटर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तड़का अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस बैटर को हमें दो भागों में बाँट लेना है, क्योंकि इससे बनने वाला नाश्ता हमें फ्लफी बनाकर तैयार करना है, जिसके लिए हमें इनो या सोडा का यूज करना है। तो इस बैटर को दो भागों में करने के बाद हम एक भाग में आधा छोटा चम्मच इनो डालेंगे। इनो को एक्टिवेट करने के लिए हम एक चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से बैटर में एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इनो डालने के बाद इस मिक्स को हम रेस्ट के लिए नहीं रखेंगे। अब गैस में धीमी आंच पर एक अप्पे पैन चढ़ाकर उसमें घी डालेंगे। आप घी की जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हम नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो घी का यूज ज़रूर करें। अब इस पैन की कैविटी में एक एक चम्मच मिक्स डालेंगे और ढककर लो फ्लेम में ही पकाएंगे। एक तरफ से इसे पकाने में 3 से 4 मिनट लगता है। 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद इसमें ऊपर से घी डालेंगे और उलटकर फिर से पकाएंगे। ये सूजी के अप्पे पकाने में हमें 7 से 8 मिनट ही लगता है। जब इन अप्पों में अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए दोनों तरफ से, तब गैस बंद करके इन्हें हम नीचे उतार लेंगे। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो परफेक्ट है ही, पर आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। जब ये अप्पे ठंडे हो जाएं, तो इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में पैक कर सॉस या इमली की चटनी के साथ सर्व करें। फिर मेरी ये झटपट लंच बॉक्स रेसिपी आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।